हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 जून से 2 जुलाई 2023 तक का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है करंट अफेयर्स में, चर्चा में कौन रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिए। शुरुआत करेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस से। यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। हर साल ये दिन मनाया जाता है 21 जून को, और हर साल इसके लिए अलग थीम डिसाइड की जाती है। 2023 के लिए थीम रखी गई है योगा फॉर वासुदेव कुटुम्बकम। योगा फॉर वासुदेव कुटुम्बकम थीम आपको याद रखनी है, डेट आपको याद रखनी है। तो योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को योग की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान योग दिवस की अवधारणा को सामने रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की थी। और 2015 में सबसे पहला योग दिवस मनाया गया था। इस साल यानी 2023 में हम 9वां योग दिवस मना रहे हैं। थीम याद रखिएगा, योगा फॉर वासुदेव कुटुम्बकम। फिर है विश्व सिकल सेल दिवस, यानी वर्ल्ड सिकल सेल डे, जिसे वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं। ये दिन हर साल 19 जून को मनाया जाता है। इसके लिए थीम रखी गई है बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस। थीम थोड़ी लंबी है बट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देखिए, पूरे विश्व भर में इस दिन को मनाया जाता है सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, कि सिकल सेल रोग होता क्या है, किस तरह से इसका उपचार करना है, किस तरह से इसे बचाव किया जा सकता है। तो इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 19 जून को यह मनाया जाता है। सिकल सेल होता क्या है? तो ये एक तरह का रक्त का विकार है, जिसमें हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं RBC, लाल रक्त कोशिकाएँ, तो इनका जो शेप होता है ये सेमी सर्कुलर यानी चांद की तरह हो जाता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, हसिए की तरह या अर्ध चंद्राकार शेप हो जाता है हमारी RBC का। और इससे होता क्या है, जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं तो इसमें ये जाके RBC रक्त के प्रवाह में रुकावट पैदा करती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, काफ़ी सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इस तरह के रक्त विकार को सिकल सेल कहा जाता है, और इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। 19 जून को मनाया जाता है ये दिन। फिर है वैश्विक पवन दिवस, यानी ग्लोबल विंड डे। हर साल ये दिन मनाया जाता है 15 जून को। 2007 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा के आयोजित इसे किया गया था, और 2009 में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ के साथ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने पवन दिवस को एक वैश्विक कार्यक्रम बनाने के लिए सहयोग किया था। जो पवन शक्ति है यानी कि विंड पावर है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और इसे और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। 15 जून को ये दिन मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे। और बात हुई है यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ की, तो इसके बारे में स्टैटिक कवर करते हैं। तो यहाँ के अध्यक्ष हैं स्वेन यूटेर मोहलेन अध्यक्ष हैं। यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ की स्थापना की गई थी 2012 में, और इसका मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। फिर देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास कौन हैं? ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के RBI के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के। तो हाल ही में इनको लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे, लंदन में। फिर हैं फिलिप ग्रीन क्यों चर्चा में हैं? तो ये भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले बैरी ओ फॉरेल थे ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त भारत में, अब इनकी जगह फिलिप ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त होंगे भारत में। ये अब तक जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत थे और अब भारत में उच्चायुक्त बन गए हैं। अब बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की,
तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर यहाँ पे कनाडा से न्यूज़ है, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा जहरीला आईवी पौधा पाया गया है कनाडा के ओंटारियो में। दुनिया का सबसे ऊंचा जहरीला आईवी पौधा पाया गया है जिसकी ऊंचाई है 68 फीट की। तो इसी कारण से इस पौधे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है दुनिया के सबसे ऊंचे जहरीले आईवी पौधे के रूप में। इसके बाद श्रीलंका से न्यूज़ है, तो श्रीलंकाई सेना के जो डॉक्टर हैं इन्होंने विश्व में किडनी की सबसे बड़ी पथरी निकाली अभी, और इसके कारण ये इवेंट जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये जो पथरी निकाली गई है ये 13.372 सेंटीमीटर लंबी है और इसका वजन है 801 ग्राम का, 801 ग्राम्स। ये जो सर्जरी है ये लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर के सुदर्शन, कैप्टन डॉक्टर परिरत्ना और डॉक्टर तमशा ने की है। फिर यहाँ पे एक और न्यूज़ है अमेरिका से, जिन्होंने चीन से डेवलपिंग स्टेटस छीन लिया है। तो अमेरिका का जो सीनेट है इन्होंने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके मुताबिक अमेरिका अब किसी भी सूरत में जो चाइना है इसको एक डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि डेवलपिंग कंट्री का दर्जा हट जाने के बाद जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जैसे विश्व बैंक हैं, IMF है, तो इनके द्वारा जो कम ब्याज में लोन दिया जाता था चाइना को ये अब आसानी से नहीं मिलेगा। चाइना चर्चा में था, चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग और मुद्रा है रनमिनबी। फिर जापान से न्यूज़ है, तो जापान में है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। याद रखिएगा फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ है, जापान में है। तो इस परमाणु संयंत्र के जल को जापान जो है समुद्र में छोड़ना चाह रहा है, लेकिन आप सभी को पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिसके कारण से समुद्र में जो जीव हैं वो वहाँ पे उनकी मृत्यु होने की काफ़ी ज़्यादा आशंका है, उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा है उनकी जान को समुद्र जीवों का। तो इस कारण से इसका काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, तो जापान ने इसके लिए बताया है कि ये समुद्र के अंदर तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे इन्होंने सुरंग बना डाली है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, जहाँ पे इस परमाणु संयंत्र का जल समुद्र में छोड़ा जाएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा और मुद्रा है जापानी येन। फिर हैं अश्मी जैन, अश्मी जैन इन्होंने ऐप कंपटीशन जीता है। तो एप्पल के WWDC 23 के स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज में स्विफ्ट कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इन्होंने ऐप बनाई है, जिसके बाद इन्हें इस कंपटीशन का विजेता घोषित किया गया है। अश्मी जैन है, ये इंदौर की रहने वाली हैं, जिसके बाद टिम कुक जो कि एप्पल के CEO हैं इन्होंने इनकी तारीफ भी की है। इसके बाद है एक रूबी जो अभी हाल ही में $34.8 मिलियन की रिकॉर्ड कीमत पे बेचा गया है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग इसकी कीमत है 286 करोड़ रुपए। कहाँ पे बेचा गया है, तो अमेरिका में इस 22.22 कैरेट के रूबी का नीलामी किया गया है 286 करोड़ रुपए में। ये जो रूबी है ये पिछले साल मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो राज्य के मोंटे पियोस क्षेत्र में मिला था। फिर है विक्टोरिया क्रिस्टीना, तो इटली की ये महारानी बनेंगी। तो इम्पॉर्टेंट नाम है काफ़ी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि इटली में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई महिला जो है ये तख्त पे बैठेंगी। तो वर्तमान में इमैनुएल फिलिबर्टो इटली और वेनिस के प्रिंस हैं, इमैनुएल फिलिबर्टो ये प्रिंस है और प्रिंस की बड़ी बेटी हैं ये विक्टोरिया क्रिस्टीना, जो अब इटली की महारानी बनेंगी। अब इटली की बात हुई है तो यहाँ की राजधानी है रोम, प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और मुद्रा है यूरो। फिर यहाँ पे सूर्य मिशन से रिलेटेड न्यूज़ है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का मिशन है आदित्य L1, इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, आदित्य L1 मिशन है भारत का सूर्य का अध्ययन करने के लिए, इसे शुरू किया जा रहा है। तो इसका एक अहम उपकरण सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप तैयार हो गया है, पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में इस उपकरण को तैयार किया गया है, और ये जो मिशन है ये अगस्त के मध्य में लॉन्च होने वाला है। तो मिशन का नाम आपको याद रखना है आदित्य L1, सूर्य के अध्ययन से रिलेटेड मिशन है। फिर है नुसरत जहां चौधरी, तो अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनेंगी ये, अमेरिका की सीनेट ने फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना आपको।
फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड न्यूज़ है। ग्रैमी अवार्ड विजेता है फालू, तो इनके साथ मिलके इन्होंने एक गीत लिखा है। तो वर्ष 2023 जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज का फ़ायदा बताने के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतवंशी गायिका हैं फालू, इनके साथ मिलकर गीत लिखा है। गीत का नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स, गीत का नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स। तो इस गाने को लिखा है और ये जो गाना है जल्दी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है जो कि दिया जा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर को। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर को। इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। याद रखना आपको 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर को। फिर अमेरिका से न्यूज़ है, तो अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। तो वहाँ के बैंकों ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है, जो दर है पहले की तरह 5 से लेकर 5.25% पे बरकरार हैं। तो इससे पूरे विश्व भर में वैश्विक जो अलग अलग देशों में बैंक हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और महंगाई के भी इस दौर में काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी अदर कंट्रीज़ को भी। फिर यहाँ पे है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि बीपर जॉय चक्रवात से प्रभावित पॉलिसी धारक जो हैं और इनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदार हैं, इनको रियायत देगी LIC। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले LIC, दूसरा ये इम्पोर्टेंट है बीपर जॉय चक्रवात अभी हाल ही में चर्चा में था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसका नाम। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछता है सबसे ज़्यादा कि किस देश ने इस चक्रवात को नाम दिया था। तो याद रखिएगा बिपर जॉय का जो नाम है ये दिया है बांग्लादेश ने। किसने दिया है? बांग्लादेश ने बिपर जॉय। अब बात LIC की हुई है तो LIC के बारे में देख लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसका मुख्यालय है मुंबई में, और रिसेंट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि नए चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती LIC के। तो यहाँ से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंट में नए चेयरमैन बने हैं। बिपर जॉय का नाम दिया है बांग्लादेश ने, ये याद रखना है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक न्यूज़ में है, तो RBI ने 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB की पहली किस्त जारी की है। केंद्रीय बैंक ने SGB के लिए 5,926 रुपये प्रति ग्राम का भाव तय किया है, और ये बताया कि ऑनलाइन ख़रीदारी करने में प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट भी मिलेगी, और SGB के जरिए एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोग्राम तक सोना खरीद सकता है। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तब मुख्यालय कहाँ था? तब मुख्यालय था कोलकाता में। मुंबई कब आया? मुंबई आया था 1937 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के गवर्नर हैं, जिनको अभी अवार्ड दिया गया है बेस्ट गवर्नर का भी रिसेंट में आपने देखा। फिर यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जहाँ पे 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी हुई। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास था, एक्स खान क्वेस्ट 2023, अभी हाल ही में शुरू हुआ है, कहाँ पे? मंगोलिया में। एक्सरसाइज का नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। और किस देश में हो रहा है? मंगोलिया में हो रहा है, तो मंगोलिया से रिलेटेड आपको स्टैटिक याद रखने हैं। मंगोलिया की राजधानी है उलन बतार, राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख, और मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। तीनों चीज़ याद रखनी है, उलन बतार कैपिटल, राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख, और मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक। फिर यहाँ पे जल संरक्षण क्षेत्र का एक अवार्ड है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार में आता है, और इस राष्ट्रीय पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो कैटेगरी है इसमें मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्टेट का। आपको क्या याद रखना है, जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश को। इसके बाद भोपाल से न्यूज़ है, तो सांची आपने सुना होगा, सांची ब्रांड का दूध आता है या डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सांची ब्रांड को मध्य प्रदेश में नंबर 1 ब्रांड का अवार्ड दिया गया है अभी। तो अगर आप MP से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसके बाद मूव करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। तो हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने, कैप्टन थे भारतीय टीम के सुनील छेत्री। तो ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप था, इसका फाइनल मैच खेला गया कहाँ, भुवनेश्वर में, और फाइनल में भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया है। ये तीसरी बार था इस टूर्नामेंट को जब ऑर्गेनाइज किया गया था, थर्ड एडिशन था, जिसमें से दो बार भारत जीता है। भारत ने 2018 में जीता था और अभी 2023 में फिर से भारत ने जीत लिया है। सुनील छेत्री के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 90 गोल हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में ये चौथे नंबर पे आ गए हैं। सबसे ऊपर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और अली देई। इसके चौथे नंबर पे सुनील छेत्री आ गए हैं 90 गोल के साथ, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले। फिर यहाँ पे बैडमिंटन से रिलेटेड न्यूज़ है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है और एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की है, इतिहास रच दिया है। तो पुरुष युगल वर्ग में भारत को इन्होंने फाइनल में जीत दिलाई है। इसके अलावा युगल वर्ग की बात कर लिए, एकल वर्ग की बात करते हैं तो पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने इस टूर्नामेंट को जीता है, और महिला एकल वर्ग की बात करें तो चीन की चेन युफेई इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, सबसे पहले आपको याद रखना, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल वर्ग जीता है, पुरुष युगल वर्ग, और महिला एकल वर्ग में जीती हैं चीन की चेन युफेई और पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन। इसके बाद फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि है यूएफा नेशंस लीग। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है ये, और इस साल का टूर्नामेंट जीता है किसने, स्पेन ने इस टूर्नामेंट को जीता है। फाइनल में स्पेन ने क्रोएशिया को पेनाल्टी शूट आउट में हराया है 5-4 से। तो स्पेन ने क्रोएशिया को हरा के इस साल का यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। फिर यहाँ पे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि हर महीने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिए जाते हैं क्रिकेट में। एक अवार्ड दिया जाता है मेंस में और एक दिया जाता है वुमेंस में। तो ये अवार्ड दिए गए हैं अभी हाल ही में मई 2023 के अवार्ड दिए गए हैं। तो पुरुषों में बात करते हैं तो आयरलैंड के बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर, आयरलैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ट्रैक्टर, इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मई 2023 के लिए। और महिलाओं में बात करें तो थाईलैंड की युवा स्पिनर हैं थिपाचा पुथावोंग, इन्हें महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, मई 2023 के अवार्ड हैं ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है F1 रेस, फार्मूला 1 की रेस, अगली रेस थी इस सीजन की कैनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के, इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये नीदरलैंड के कार रेसर हैं और ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं और इस साल का कैनाडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया है। फिर यहाँ पे तीरंदाजी विश्व कप की बात करते हैं, उससे न्यूज़ है। तो भारत के पुरुष तीरंदाज हैं अभिषेक वर्मा, इन्होंने कोलंबिया में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले ये कोलंबिया में आयोजित हुआ था टूर्नामेंट तीरंदाजी विश्व कप, कहाँ पे, कोलंबिया में, और दूसरी चीज़ ये कि पुरुष तीरंदाज हैं भारत के अभिषेक वर्मा, इन्होंने स्टेज 3 में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिर यहाँ पे टेनिस के प्लेयर हैं ब्रिटेन के एंडी मरे, तो ये चोट के कारण बाहर चल रहे थे, हाल ही में इन्होंने वापसी की है और इन्होंने वापसी के बाद नॉटिंघम ओपन का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा, ब्रिटेन के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे, और इन्होंने नॉटिंघम ओपन का टूर्नामेंट अभी जीता है। इन्होंने फाइनल में फ्रांस के आर्थर कैजाक्स को हराया है। फिर यहाँ पे भारत की महिला क्रिकेट टीम है, इन्होंने हांगकांग में आयोजित टूर्नामेंट महिला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीता है। ये जो टूर्नामेंट था ये पहली बार हुआ था, इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट एडिशन था। तो टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 31 रन से हराया और सबसे पहला इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीत लिया है।
कहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट? हांगकांग में हुआ था। फिर हैं रोनाल्डो सिंह जो कि भारत के साइकिलिस्ट हैं और हाल ही में इन्होंने स्प्रिंट स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में 9.877 सेकंड का समय निकाला है और अपना ही इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है 9.877 सेकंड्स का। तो रोनाल्डो सिंह साइकिलिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है, और इनका ये जो रिकॉर्ड है 9.877 सेकंड का, ये याद रखना है। आगे मूव करते हैं एमसीक्यू के सेक्शन में। तो सबसे पहले हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे हैमिल्टन में। फिर है, एशियाई धरती पर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप किस वर्ष खेला गया था? तो खेला गया था वर्ष 2002 में। फिर आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। फिर है, वर्ष 2023 में रियो ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीते हैं कैमरन नॉरी। फिर है, जोनाथन क्रिस्टी ये किस देश के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन खेलते हैं इंडोनेशिया के लिए। फिर है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो गेंदबाज है अनिल कुंबले। फिर है, वर्ष 2023 में इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? विजेता बनी है इलीना रिबाकीना। फिर है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। नेक्स्ट है, इस वर्ष किस देश ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो इस वर्ष जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। फिर है, भाला फेंक खेल के वर्ल्ड चैंपियन जो हैं एंडरसन पीटर्स ये किस देश से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है ग्रेनेडा से। फिर है, मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? पहले खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी। फिर है, भारत ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर है, इस वर्ष किस भारतीय खिलाड़ी ने ऑर्लियंस मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है? तो इस वर्ष इस टूर्नामेंट को जीते हैं प्रियांशु राजावत। फिर है, मैक्स वर्स्टैपेन किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं नीदरलैंड का। फिर ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन हैं? तो पहले भारतीय मुक्केबाज हैं विजेंदर सिंह। फिर टोक्यो ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्फ खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पदक जीता है नैली नोर्डा ने। फिर इनमें से किस क्रिकेटर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? प्लेइंग इट माई वे, तो ये आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। फिर इस वर्ष किस क्लब ने महिला UEFA चैंपियंस लीग जीती है? तो इस वर्ष जीती है बार्सिलोना की टीम। फिर श्रीलंका ने किस वर्ष ICC वनडे वर्ल्ड कप जीता है? तो श्रीलंका जीती थी सन 1996 में। फिर रोहित शर्मा ने किस देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया है? तो रोहित शर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ पदार्पण किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। फिर किस देश में इस वर्ष पुरुष रग्बी वर्ल्ड कप खेला जाएगा? तो ये टूर्नामेंट इस साल खेला जाएगा फ्रांस में। फिर इनमें से कौन भारतीय हॉकी टीम का पूर्व सदस्य नहीं है? तो देवाशीष मोहंती ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य नहीं है। फिर प्रोफेशनल बॉक्सर कैनेला अल्वारेज ये किस देश की खिलाड़ी हैं, ये बताना है। तो ये बॉक्सिंग करते हैं मैक्सिको के लिए। फिर इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं बनाए हैं? यहाँ पे BVS लक्ष्मण ने 10,000 रन नहीं बनाए हैं, बाकी जो तीन प्लेयर हैं इन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। फिर ब्राज़ील ने किस वर्ष पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था? तो ब्राज़ील ने सबसे पहली बार 1958 में फुटबॉल का विश्व कप जीता था। फिर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चोलकालीन ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ये निर्माण कराया गया था राजराजा द्वितीय के द्वारा। फिर ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था भारत देवराज द्वितीय के शासनकाल में। फिर संस्कृति के चार अध्याय निम्न में से किसकी रचना है? तो ये रचना है रामाधारी सिंह दिनकर जी की। फिर बलिपा नारायण भागवत का संबंध किससे है? इनका संबंध है यक्षगान से। फिर आपको बताना अनुच्छेद 358 के संबंध में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो असत्य है। यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 358 वाह तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है, ये कथन असत्य है, गलत है।
फिर है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो लोकसभा में ये मत डाल सकते हैं, अपना वोट कर सकते हैं लोकसभा में, ये ऑप्शन गलत है, ये कथन असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो भीमा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है, तो यह है भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आपको बताना देश में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा ओडिशा में लगभग 51% पाए गए हैं। फिर जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय को किस सूची में रखा गया है, तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में। फिर किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों यानी पीएम के स्तर में 40% तक कमी लाने का केंद्र सरकार का नया लक्ष्य रखा गया है, तो यह लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2026 का। फिर आपको बताना निम्न में से किस वर्ष को भारत में राष्ट्रीय आय के मापन का आधार वर्ष माना गया है, तो ये वर्ष है 2011-12। नेक्स्ट है, पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है भार के अनुसार, तो भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 88.9%। फिर बताना है दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। फिर है मांधाता गार्ज तथा मुकरता गार्ज का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है, तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। फिर है अमृता शेरगिल शिक्षावृत्ति किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है, तो ये चित्र और मूर्तिकला क्षेत्र में ये शिक्षावृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बताना है प्रसिद्ध सितार वादक गुलाम हुसैन खान का संबंध किस स्थान से है, तो इनका संबंध है इंदौर से, ये इनका जन्म स्थान है। फिर आपको बताना है कि लांजी का किला ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है बालाघाट में। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है H.N. कुंजरू का। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थ शुष्क उष्ट कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। फिर आपको बताना है कि देश में लगभग बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाए गए हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सबसे ज़्यादा भंडारण पाए गए हैं कहाँ पे, ओडिशा में। फिर है 95वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द एलिफेंट विस्पर्स, याद रखिएगा जिस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपको बताना निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम श्रेणी का अवार्ड प्रदान नहीं किया गया है, यहाँ पे सुजीत मान हैं, इनको 2022 में लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे यहाँ पे हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गुंजित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रत्यय है इत। फिर है संकुचित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी प्रत्यय है इत। नेक्स्ट है कड़वाहट में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रत्यय है आहट। फिर उल्लेखनीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें प्रत्यय है अनीय। फिर आपको बताना भावनात्मक शब्द कैसे बनेगा, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये होगा भावनाधन आत्मक। फिर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा समस्त पद है इनमें से, तो इसका राइट आंसर होगा दाल रोटी। फिर आपको बताना है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा उत्धन ज्वल। फिर सृजनात्मक शब्द का किस तरह से संधि विच्छेद करना है, तो ये होगा सृजन धन आत्मक। फिर आपको बताना है माधुर शब्द का व्याकरणीय दृष्टिकोण में क्या है, तो माधुर शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपको बताना है पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें उपसर्ग है परि। नेक्स्ट है अदृश्य में उपसर्ग क्या है, तो अदृश्य में उपसर्ग है आ। फिर आपको बताना है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है इनमें से, तो साहित्य ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग है सु। नेक्स्ट है पौराणिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय है ऋक्।
नेक्स्ट है आपको बताना है गजानन शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें है अव्ययी भाव समास। फिर महादेव शब्द में कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी, तो पंडित सबसे भाववाचक संज्ञा बनेगी पंडित्य, ठीक है, पंडित से बनेगा पंडित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं नहीं हैं, तो बुढ़ापा और देवता इसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं नहीं हैं। फिर आपको बताना है जो सर्वनाम विशेषण का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। फिर आपको बताना है कि मनुष्यता शब्द का विलोम क्या है, तो इसका विलोम होगा पशुता। फिर बताना है वैकल्पिक का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा अनिवार्य। फिर नेक्स्ट बताना है निर्गुण, निर्गुण का विलोम क्या होगा, निर्गुण का विलोम होगा सगुण। आगे देखते हैं स्मृति शेष, तो मशहूर भारतनाट्यम गुरु हैं श्री गणेशन, उनका हाल ही में भुवनेश्वर में मंच प्रस्तुति के दौरान निधन हो गया 60 वर्ष की आयु में। इनका नाम आपको याद रखना है श्री गणेशन, और आपसे पूछ सकता है कि किस नृत्य से रिलेटेड थे, तो भारतनाट्यम के गुरु थे ये। फिर पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित मैकार्थी हैं, इनका पूरा नाम है कॉमर्क मैकार्थी, हाल ही में 89 ईयर्स की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 2007 में, उस टाइम पे जिस उपन्यास के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था उस उपन्यास का नाम था द रोड, तो उपन्यास का नाम भी याद रखना है द रोड उपन्यास के लिए 2007 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। फिर चेल्सी के पूर्व खिलाड़ी हैं जॉन हॉलिंस, इनका हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, किस खेल के खिलाड़ी थे, फुटबॉल। फिर यहाँ पे अभिनेता मंगल ढिल्लो हैं, मंगल ढिल्लो अभिनेता थे ये, तो हाल ही में 64 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। पूछ सकता है किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये अभिनेता थे, एक्टर थे। फिर यहाँ पे गायिका हैं जिन्होंने तितली उड़ी और चले जाना जरा ठहरो इस टाइप के गाने गाए हैं, और 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका नाम था शारदा, इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तो 86 ईयर्स की एज में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है शारदा का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड थी, तो ये सिंगर थी। तो आज के अंक में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा चैनल पर प्रतियोगिता दर्पण का भी एनालिसिस अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। जुलाई मंथ के 2 वीडियोज़ आ चुके हैं सीरीज़ के, 2 पार्ट आ चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी, जॉब अलर्ट्स, डेली GK, करंट अफेयर, वोकैब, दूसरी न्यूज़पेपर, मैगजीन, सबकी PDF आपकी तैयारी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ एक प्लेस पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।